दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको 4000 में एक फुल नॉच डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन, साथ ही साथ में 3 GB रैम और एक बड़े स्क्रीन के साथ एक हाई कैपेसिटी बैटरी के साथ आपको मिले, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपये में, तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही बजट फोन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। आपको 4000 में ऐसा फीचर फोन कहीं नहीं मिल सकता, बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन पे चलने वाला फ़ोन, और इसके फीचर भी बहुत ज़्यादा कमाल का है। अगर आपका बजट 7000, 8000, 9000, 10000 रुपये है तो आपको एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन मिल सकता है, लेकिन अगर आपका बजट 4000 ही रुपए है, यानी 4000 से भी कम का है, तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर खरीद सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में पूरा डिटेल देने वाला हूं, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इस फोन के बारे में, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल नॉच डिस्प्ले, बिल्कुल रियलमी 2 की तरह एकदम सेम टू सेम नॉच डिस्प्ले के साथ पूरे स्क्रीन में नॉच। तो बात करते हैं दोस्तों इस फोन के फीचर के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का है। 5.5 इंच का 19:9 रेशियो में नोच आईपीएस टच डिस्प्ले, यानी एक बड़ा स्क्रीन आपको मिलेगा जिसमें आप अच्छे से गेमिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और मूवीज भी आसानी से देख सकते हैं। बात करते हैं रैम का, तो आपको इसमें 3 GB रैम और साथ ही साथ 32 GB रोम भी मिल जाता है। इसे मेमोरी कार्ड की मदद से आप आसानी से इसे इंक्रीज कर सकते हैं। और बात करें प्रोटेक्शन का, तो आपको इसमें फेस आईडी फंक्शन यानी फेस लॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही शानदार फीचर है। आपको 4000 के फोन में ऐसा मिलना नामुमकिन है, आपको नहीं मिल सकता, लेकिन इसमें आपको मिल जाता है। बात करते हैं बैटरी का, तो इसमें आपको 3500 mAh का बैटरी मिलता है जिसमें आप अच्छे से गेमिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और पूरे दिन वीडियो गेम का मजा उठा सकते हैं। इसमें आपको वाईफाई, जीपीएस, नेविगेशन ये सब तो मिलेगा ही। और अब बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में, तो 8 MP डुअल कैमरा इसमें आपको देखने को मिलेगा, और एंड्रॉयड वर्जन का तो 8.1 का ओरियो द लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट एंड्रॉयड वर्जन मिलेगा, जो कि लेटेस्ट कैमरा भी इसका कमाल ही है। मिला जुला के बात करें तो आपके लिए ये वाला फ़ोन एक बजट सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छा बनने वाला है। अगर आप इस फ़ोन को पेटीएम से पे करते हैं, पे विथ पेटीएम, तो आपको ये फ़ोन 4099 रुपये का पड़ता है। अगर आप इसे कैश ऑन डिलीवरी या फिर किसी और मेथड से ख़रीदते हैं तो आपको ये 4999 यानी 5000 का पड़ेगा। तो मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप इसे पेटीएम से पे करके ही खरीदिए। अगर इस फोन के बारे में और कुछ डिटेल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से पूरा डिटेल आप इस फोन के बारे में जान सकते हैं। वैसे देखा जाए तो एक बजट फोन है, 2019 का सबसे बजट फोन ये होने वाला है। तो अगर आपका बजट ज्यादा है, जैसे 10000 रुपये, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए फोन बहुत ही ज्यादा कमाल का हो जाता है। जिनके पास कम बजट है, यानी 3000-4000 बजट है, उनके लिए ये फ़ोन कंप्लीट 2019 का सबसे सस्ता फ़ोन है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी कमेंट, डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस फोन के बारे में पूरा डिटेल जान सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।